मार्टिंगल स्ट्रैटेजी को बनाया गया था जुए में जीतने के लिए, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव लाकर कई दशकों से प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में सक्सेसफुली इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को स्टॉक ट्रेडिंग में और अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो देखने से पहले देख लेते हैं इसके ओरिजिनल जुए वाले वर्जन को। मान लेते हैं कि आप एक जुआ खेल रहे हो जिसमें जीतने और हारने के 50-50% चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉस, आपने हेड बोला और हेड आया तो आप पैसे जीत गए, और टेल आया तो आप हार गए। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए लगाए और टॉस हुआ और आप जीत गए तो आपके पास आ गए 100 रुपए। अब आप फिर से 100 से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए ये मानकर चलते हैं कि पहली बाजी ही आप हार गए तो आपको हुआ नेट लॉस 100 रुपए का। तो मार्टिंगल स्ट्रैटेजी ये कहती है कि आप हमेशा हार नहीं सकते, एक ना एक बाजी तो आप जरूर जीतोगे, और जब भी वो एक बाजी आप जीत जाएंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके लिए आपको हर हारी हुई बाजी के बाद अपने बेट को डबल करना होगा, यानी जब भी कोई बाजी हारोगे अगली बाजी में उसका दुगना पैसा लगाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये हारने के बाद आपको अब बाजी लगानी है 200 रुपये की। अगर ये बाजी आप जीत जाते हो तो आपके पास आ जाएंगे 200 रुपये, और आपके पहली वाली बाजी में गए थे 100 रुपये, यानी आपको नेट प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। अब ये मान लेते हैं कि आप दूसरी बाजी भी हार गए तो आपका नेट लॉस हुआ 300 रुपये का। पहले राउंड में 100 गए थे और दूसरे राउंड में 200 गए थे, टोटल 300 रुपये का नुकसान। अब तीसरे राउंड में आप जो बाजी लगाओगे वो होगा 200 का दुगना यानी 400 रुपये का। ये बाजी अगर आप जीत जाते हो तो आपके पास आ जाएंगे 400 रुपये, और अब तक आपका नेट लॉस हुआ था मात्र 300 रुपये, लेकिन आपने अब जीते हैं 400, यानी आपको हुआ है नेट प्रॉफिट 100 रुपये का। तो मार्टिंगल स्ट्रैटेजी के अनुसार ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप कोई एक बाजी जीत नहीं जाते। अब जुए में और ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है इसे देख लेते हैं। मानकर चलते हैं कि आपके पास हैं सिर्फ 1000 रुपये, आप तीसरा राउंड भी अगर हार जाते हो तो चौथे राउंड में आपको लगाने हैं 800 रुपये, जो कि आपके पास नहीं है क्योंकि आपके पास थे ही सिर्फ 1000 रुपये, और तीन राउंड में आप 700 रुपये हार चुके हो। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 300 रुपये, तो 800 रुपये की बाजी आप कैसे लगाओगे? यानी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मार्टिंगल स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है जुआ खेलने के लिए, लेकिन आपको ट्रेडिंग करने के लिए उतने पैसे की ज़रूरत नहीं होती है जितने पैसे जुए में जीतने के लिए चाहिए। देख लेते हैं कैसे। अब इस स्ट्रैटेजी को आप स्टॉक ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के उदाहरण से। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन है जिसकी वैल्यू है 100 रुपये, मात्र उदाहरण के लिए ये वैल्यू मानकर चलते हैं। और मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये का एक कॉइन खरीद लिया और आप चाहते हो कि हर एक ट्रेड पर आपको 1% का प्रॉफिट हो, यानी जब इस कॉइन का प्राइस होगा 101 रुपये तब आप इसको बेच देंगे, लेकिन 101 के बजाय इस कॉइन का प्राइस गिरकर आ गया 80 रुपये पर। तो मार्टिंगल स्ट्रैटेजी के अनुसार आप 200 रुपये के और कॉइन्स खरीदेंगे और आपको अब मिलेंगे 2.5 कॉइन्स, यानी 2.5 कॉइन्स। आगे उस कॉइन का प्राइस और गिर गया और गिरकर आ गया 50 पर, तो अब आप 400 रुपये के और कॉइन्स खरीदेंगे, अब आपको मिलेंगे टोटल 8 कॉइन्स, और आपके पास अब हैं टोटल 8 + 2.5 + 1 यानी 11.5 कॉइन्स, और आपने टोटल पैसे लगाए हैं 700 रुपये, और 700 रुपये में 11.5 कॉइन्स मिले, यानी आपको एक कॉइन पड़ा 60.86 रुपये का। अब अगर आपको प्रॉफिट बनाकर इस ट्रेड से बाहर निकलना है तो इस कॉइन की प्राइस को फिर से 100 रुपये तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉइन का प्राइस मात्र 61.50 रुपये पहुंचने पर भी अगर आप इन सारे कॉइन्स को बेच देते हो तो भी आपको आपका 1% का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब जुए में और ट्रेडिंग में ये फर्क होता है कि जुआ एक जीरो सम गेम है, यानी आप हार गए तो आपका पैसा जीरो हो जाता है, लेकिन ट्रेडिंग जीरो सम गेम नहीं होता है, यानी अगर आपने क्रिप्टो या शेयर्स खरीदे हैं और उसका प्राइस नीचे चला गया तो आपका पैसा जीरो नहीं होता है, क्योंकि वो शेयर या वो कॉइन जो आपने खरीदा था वो तो आपके पास ही है, सिर्फ उसकी वैल्यू कम हुई है, और आपको उस कॉइन की या उस शेयर की वैल्यू को फिर से ऊपर जाने तक इंतज़ार करना है प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ ऑटोमेटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो रॉयल क्यू का ये बॉट आपके लिए मार्टिंगल स्ट्रैटेजी या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रैटेजी के साथ मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज पर 24 घंटे आपके लिए ट्रेड कर सकता है।
और नए ट्रेडर्स जिनको नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है उनको इस मार्टिंगल स्ट्रेटजी के बजाय डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्टिंगल स्ट्रेटजी में एक ही इंस्ट्रूमेंट पर बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है अगर उसका प्राइस नीचे ही जाता रहा तो। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है ये जानना है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आप मार्टिंगल स्ट्रेटजी क्या होता है ये जान चुके हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ट्रेडिंग और स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।